बरेली के नवाबगंज में दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने रविवार सुबह 3 हत्यारोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। देर रात मुठभेड़ में अजहर व मंजर अली के पैर में गोली मारकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं सरवर अली को भी दबोच लिया गया है। पुलिस ने उनके पास से 315 व 12 बोर के तमंचे भी बरामद किए। हैदर अली ने अपनी पुत्री शमा परवीन का विवाह ग्राम के ही जकी हैदर के पुत्र अजहर अली के साथ किया था। पति के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों परिवारों के बीच झगड़ा होने लगा। लड़के पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग में हैदर अली और उनके भाई गुलशन की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। रविवार को तनाव भरे माहौल में मृतक हैदर अली व गुलशन अली को गाँव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पुलिस ने हत्यारों पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। दिन भर हत्यारोपियों की तलाश की जा रही थी। वहीं पुलिस ने देर रात इनायतपुर की पुलिया के पास मुखबिर की सूचना पर हत्यारों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिसकर्मी मुनेंद्र व विनीत घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए अजहर व मंजर के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस शेष बचे हत्यारोपियों की तलाश में दबिशें दे रही है। इस मौके पर कोतवाल धनंजय सिंह, चौकी इंचार्ज शकाक्त सिंह, एसआई संजीव कुमार शर्मा सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पंचायत हो रही थी बैठे हुए, बाबू प्रधान जी के यहाँ के पिताजी आए पार्टी के, तो सीधे आकर उन्होंने गिरवान पकड़ लिया, तो वहाँ से हम लोग अपनी जान बचा के भागे, बाबू प्रधान जी ने बचा दिया। उसके बाद में वो सर फिर उधर से लाठी डंडे फायरिंग करते हुए आए, फिर इधर से भी हमारे पक्ष में पता नहीं किस किस ने क्या, फिर पवेरा मतलब चलने लगी सर, क्या हुआ क्या नहीं ये हुआ। उधर से वो फायरिंग और डंडे लेके करते हुए आए, इधर से भी जो हमारे पक्ष में लोग थे जो एक दो मतलब, तो वो भी सब इकट्ठे हो गए लाठी डंडे, फिर मतलब पवेरा कौन कहाँ अपनी दुश्मनी पुरानी क्या किससे निकाल रहा था कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ से। एक दिन थोड़ा बक दिया था मैंने, तो मेरे दरवाजे पे ही आए, इन्होंने गाली वाली दी, मैंने कुछ नहीं कहा, चले गए। मतलब ये गलती करती थी, मैं कुछ कह देता था तो मुझसे कहते थे कि तू कुछ भी एक उंगली भी लगा के दिखा तो अभी तू ही जानेगा। 3-4 बार मैं गाली खा चुका था, इस बार हमने भी लाठी डंडा उठा लिया था। फिर उसमें क्या, गाँव में सर पटिया बंडी चलती है, तो कहाँ किसने अपना मौका निकाला, किधर से क्या करा, वो सर सारा भिंडा हम पे बन गया आकर। थाना नवाबगंज के अंतर्गत 22/5/2021 को एक घटना हुई थी, जिसमें पति पत्नी के विवाद में लड़का और लड़की पक्ष के लोगों के मध्य कहासुनी और विवाद होने पर लड़के पक्ष के लोगों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें लड़की के पिता और उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी और बाकी 7 लोग उसमें घायल हो गए थे, छरे लगने से घायल हो गए थे। इस पूरे प्रकरण में आज पुलिस के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मंजर अली, अजहर अली और सरवर अली, जिनके पास से 12 बोर और 315 बोर के 2 तमंचे बरामद हुए हैं। कुल 3 अवैध असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें कि मंजर अली और अजहर अली के पैर में गोली लगी है। इन दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और इस तरह से 3 जो अभियुक्त हैं, मुख्य अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर 25,000 का भी पूर्व में सुबह इनाम घोषित कर दिया गया था और उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में इन 3 को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।